हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। तो हमारी क्लास में हम पढ़ रहे थे हिंदी में गद्य साहित्य के विकास के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार हिंदी में गद्य का विकास, हिंदी गद्य में साहित्य का विकास हुआ। और भारतेंदु काल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें भारतेंदु, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के कवियों के बारे में हमने जाना। तो आज हमारा जो आगे का है वह है हिंदी उपन्यास के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हिंदी उपन्यास में प्रेमचंद्र को केंद्र में रखकर हिंदी उपन्यास का विकास तीन चरणों में बांटा जा सकता है। प्रेमचंद्र पूर्व का हिंदी उपन्यास और प्रेमचंद्र युगीन हिंदी उपन्यास तथा प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, यानी कि प्रेमचंद्र से पहले जो उपन्यास लिखे गए, प्रेमचंद्र के युग में जो उपन्यास लिखे गए तथा प्रेमचंद्र के बाद जो उपन्यास लिखे गए। लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास के द्वारा जो लिखा गया उपन्यास है परीक्षा गुरु, इसको हिंदी का पहला उपन्यास माना है। और प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यासकारों में जो उपन्यासकार आते हैं उनमें प्रमुख नाम है लाला श्रीनिवास दास का, जिन्होंने की परीक्षा गुरु लिखा था। और बालकृष्ण भट्ट है, इन्होंने नूतन ब्रह्मचारी की रचना की। देवकी नंदन खत्री, इन्होंने चंद्रकांता की रचना की। और गोपाल राय गहमरी ये हैं। तो गोपाल राय गहमरी जो हैं वो जासूसी उपन्यास लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रेमचंद्र को हिंदी उपन्यासों का सम्राट कहा जाता है। आपका एक क्वेश्चन यहाँ है कि हिंदी उपन्यासों का सम्राट किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है प्रेमचंद्र को। उनके लिखे हुए प्रमुख उपन्यास हैं सेवा सदन है, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनकी अपूर्ण रचना है, यह पूर्ण नहीं हुई थी मंगलसूत्र रचना। और जयशंकर प्रसाद ने जो उपन्यास लिखे उनके नाम हैं तितली, इरावती, कंकाल। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक इनका उपनाम है। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की जो प्रसिद्ध उपन्यास है उनमें माँ और भिखारिणी यह काफ़ी प्रमुख हैं। और चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है वयम रक्षामः, जय सोमनाथ, वैशाली की नगरवधू। पांडे वेचन शर्मा उग्र इनका उपनाम है। चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल इनके प्रमुख उपन्यास हैं। वृंदावन लाल वर्मा के माधव जी सिंधिया, झांसी की रानी, गढ़ कुंडार। तो इस काल के प्रमुख उपन्यासकार हैं और ये उपन्यास हैं। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यासों में उपन्यासकारों में अज्ञेय तो प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यासकारों में अज्ञेय जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, फणीश्वरनाथ रेणु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर, यशपाल, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मन्नू मरनी, श्रीलाल शुक्ल, सुरेंद्र वर्मा, धर्मवीर भारती इनके नाम लिए जा सकते हैं, जो कि प्रेमचंदोत्तर काल के उपन्यासकार हैं, यानी कि प्रेमचंद्र के बाद के जो उपन्यासकार हैं। तो इनके प्रमुख उपन्यास हैं, इनके प्रमुख उपन्यास में हैं अज्ञेय जी का जो प्रमुख उपन्यास है वह है अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप। अज्ञेय हीरानंद वासायन अज्ञेय जी का पूरा नाम है। अगले आते हैं जैनेन्द्र, इनके प्रमुख उपन्यासों में आता है परक, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा और विवर्त, यह इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इसी के साथ यह क्लास यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में, इसके आगे के उपन्यासकारों को और उनके उपन्यासों के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि डेली आपको इस चैनल पर अलग अलग नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।